18 मई का दिन जिले में पानी के लिए धरने और प्रदर्शन कर रहा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अलवर में पानी के लिए जलदाय दफ्तर पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया। मनुवार स्थित जलदाय दफ्तर में सुबह जिला अध्यक्ष टेकराम जूली के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से काफी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। इस मौके पर एडीएम सिटी भी मौजूद रहे। जूली ने शहर में पानी की समस्या से संबंधित 8 सूत्रीय मांग पत्र एडीएम को सौंपा, जिस पर प्रशासन ने समाधान का आश्वासन दिया। हमने यहाँ पे आज 8 सूत्रीय मांग पत्र यहाँ पे हमने सौंपा है, जिसमें सबसे पहला ये था कि जो टैंकर यहाँ पे चल रहे हैं उनका 2 साल से भुगतान नहीं हो रहा और जिसकी वजह से वो लोग पानी नहीं डाल रहे हैं आज जनता के बीच में और त्राही त्राही मची हुई है। और दूसरा, जो टैंकरों की संख्या है वो काफ़ी कम है, 58 इन्होंने बता रखे हैं और 58 में भी 18 डल रहे हैं कि 28 डल रहे हैं, ये स्थिति है। तो उसके लिए ये तय हुआ है कि परसों से उनकी संख्या 90 और 100 के बीच में हो जाएगी। पॉइंट हमें सूचित कराएंगे और कांग्रेस के लोग उनकी निगरानी करेंगे कि वो 90 टैंकर डल रहे हैं कि नहीं डल रहे हैं। सबसे पहले तो ये तय हुआ है। दूसरा ये तय हुआ है कि जो एग्रीकल्चर जो कॉलोनियाँ हैं और उनमें जो लाइनें डल रही हैं वो लाइनें शहर के अंदर भी और वहाँ भी, और पुरानी जो लाइनें हैं उन सब को बदल के अगस्त तक सारी लाइनें कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में कोई भी पुरानी लाइन बाकी नहीं रहेगी। ये देखिए वार्ड नंबर 11 के अभी आपके सामने महिलाएं आई हैं और इतना गंदा पानी शहर में आ रहा है, वो सिवरेज से मिला हुआ पानी महिलाओं को बच्चों को पीना पड़ रहा है, कितनी मुश्किल हो रही है, बच्चों की जिंदगी यहाँ दांव पे चल रही है। ऐसे शहर के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने इनका घिराव किया है और इनको बाकायदा चेतावनी दी है कि अगर नहीं आपने मानी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आपके घर के कनेक्शनों को हम पानी को रोक देंगे कि पूरा शहर पानी से तड़प रहा है। अलवर पूरे शहर की क्या पूरे जिले की समस्या है पानी की, और कई बार जो है ना धरना प्रदर्शन हर वार्ड से हर तहसील से हमेशा धरना प्रदर्शन होते रहे हैं और ये समस्या आज तक नहीं मिट पाए हैं। मैडम ये बता रहे हैं गंदा, और गंदा पानी जो है ना कई वार्डों में जो है गंदा पानी आता है, क्यों? वो जो पानी वैसे ही नालियों में बहता रहता है, पाइपलाइन जो टूट जाती है उसको सही नहीं करते, इसलिए घरों में गंदा पानी आ रहा है। लोग गर्मियों के मौसम में वैसे भी बीमार हो जाते हैं पर गंदा पानी पी के कई बच्चे आदमी बीमार हो गए हैं। इस दौरान योगेश प्रधान, डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, जीत कौर, दीन बंधु, योगेश मेहता, कपिल राज, जगदीश सिंगल, जोगेंद्र कोचर, नरेंद्र मीणा, पवन सैनी, एसआर यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।